गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट द चैप्टर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर। सब टॉपिक इज इंक्लूडेड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एंड रिड्यूसिंग एनर्जी डिसिपेशन। मतलब पहले मैं तुम्हें ये डिसिपेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के क्षय होने के कारण, ऊर्जा का क्षय होना, ऊर्जा का क्षय यानी नष्ट होना, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन वन टाइप एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेड टू एनदर टाइप। तो जब एक प्रकार की ऊर्जा का, यह मतलब हमारा यही है कि जब ऊर्जा का एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण होता है। रूपांतरण का मतलब क्या हुआ, जैसे ये विद्युत बल्ब प्रकाशित हो रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो इसका मतलब यही है कि ऊर्जा रूपांतरण या ऊर्जा का संचरण। संचरण का मतलब ये होता है कि ऊर्जा सुचालक तारों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है, अर्थात पावर हाउस से हमारे घर तक आती है तो सुचालक तारों के द्वारा आती है। तो ऊर्जा क्षय का हमारा क्या कारण है कि ऊर्जा रूपांतरण या ऊर्जा संचरण की प्रक्रिया में ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे कामों में बदल जाता है या ऐसे रूप में बदल जाता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। देयर आर नो नीड ऑफ दिस एनर्जी, या इसे काम में नहीं ले पाते हैं। जैसे मान लो तुमने हीटर ऑन किया, प्रकाश हुआ और ऊष्मा भी पैदा हुई, तो वहाँ हीट और लाइट दो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन हीट तो जो है भोजन पकाने में या पानी गर्म करने में काम आ रही है, लेकिन उसकी जो लाइट हो रही है वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो यहाँ जब ऊर्जा का रूपांतरण या संचरण होता है तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, या संचरण होता है तो वो एक भाग, कुछ भाग जो है एक ऐसे रूप में बदल जाता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है या इसे काम में नहीं ले पाते हैं। जैसे यहाँ था ना, हीट तो हो रही है उसको तो काम में ले लिया, लेकिन वहाँ लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम किस काम में लेंगे, नहीं ले सकते। हालांकि कुल ऊर्जा जो है कंजर्व रहती है, सुरक्षित रहती है, लेकिन इस अनुपयोगी ऊर्जा क्षय के कारण कोई भी सिस्टम यानी कोई भी इक्विपमेंट जो है 100% कार्य नहीं कर पाता है। कौन सी ऊर्जा के कारण? अनुपयोगी ऊर्जा के कारण। इस अनुपयोगी ऊर्जा के कारण यानी लाइट आई तो इसका मतलब है वो सिस्टम ने हीट की तरफ ना जा कर के लाइट और पैदा कर दी, उस लाइट का कोई यूज नहीं है। तो उसी के कारण ऊर्जा क्षय के कारण जो है 100% कोई भी सिस्टम या कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं करता है। अब ऊर्जा के अपक्षय यानी नष्ट होने के जो मैंने लिखे हैं, यहाँ लिखा है ऑकर्स मेनली थ्रो फॉलोइंग वेज। कितने रास्ते हैं? रास्ते तो कई एक हैं, लेकिन हम जो है मुख्य रूप से तीन रास्तों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नंबर एक, हीट एनर्जी, यानी कोई भी ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में जब बदलती है तो हीट एनर्जी जो है हमारे वहाँ काम की नहीं होती है। एनर्जी यानी ऊष्मा ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा। दूसरी है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा। और एक आती है ध्वनि ऊर्जा यानी कि साउंड एनर्जी यानी कि ध्वनि ऊर्जा। अब एक एक में हालांकि कोई ज़्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन इसका एक एक एग्जाम्पल मैं बता के चलूँगा। जैसे पहले आई थी
हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी के द्वारा अपक्षय कैसे हो रहा है, तो जैसे जब कोई कार्य किया जाता है तो फ्रिक्शन यानी कि घर्षण हवा द्वारा ये जो है प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लो कोटा से बिजली के तार आ रहे हैं तो वहाँ संचरण होता है, ऊर्जा का क्या होता है, संचरण यानी ट्रांसमिशन होता है, तो वहाँ पर रास्ते में बाधाएं आ जाती हैं जिससे उस सिस्टम के उस निकाय के कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है। और जिस वस्तु पर कार्य किया जा रहा है वो गर्म हो जाती है, ऊर्जा का 6 का अधिकांश भाग ऊष्मा ऊर्जा के रूप में अनुपयोगी हो जाता है। अब एक तापदीप्त बल्ब जो होता है उसमें क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का भाग अधिकांश भाग जो है अनुपयोगी होता है। कौन से बल्ब में, इन कैंडेसेंट बल्ब में। जैसे ये बल्ब प्रकाशित हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इन कैंडेसेंट बल्ब, इन कैंडे बल्ब, यानी ये होता ताप दीप्त बल्ब, ताप दीप्त बल्ब। तो वहाँ पर इसमें तुम देखो, इसका मतलब है कि अगर ये गर्मियों के दिनों में जल रहा है तो तुम्हें गर्मी लगेगी। अब वो ऊष्मा जो निकल रही है वो तुम्हारे काम की है कि नहीं काम की है, तुम्हारे लिए अनुपयोगी है, अनयूजफुल है, तो वो वहाँ पर हमारा प्रकाश तो मिल रहा है, सही है, लेकिन इसका मतलब है कि वो हीट एनर्जी जो है वो बेकार है हमारे लिए, और इसका मतलब उस ऊर्जा का क्या हो रहा है, अपचय हो रहा है। दूसरी ऊर्जा मैंने कौन सी बताई है, लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा। विभिन्न प्रकार के हम कोयले को जलाते हैं कम, तो कोयले को ईंधन का दहन होता है, जो फ्यूल बर्न होता है यानी कि ईंधन का दहन होता है, तो उससे निकलने वाली ऊष्मा तो हमारे काम आ जाती है, क्यों, उस पर हम कोई भी काम, खाना पका सकते हैं और कोई भी पानी गर्म कर सकते हैं, ये काम में आ रही है वो ऊष्मा ऊर्जा। लेकिन ये प्रकाश ऊर्जा जो पैदा हो रही है उसके चारों ओर, तुम्हें देखा होगा अब्राहम लिंकन जो थी अमेरिका के राष्ट्रपति, वो सिगड़ी में कोयले जलाकर उसकी जो रोशनी होती थी उस रोशनी में बैठकर पढ़ते थे, वहाँ तो काम आ रही है वो, लेकिन ऊष्मा काम नहीं आ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब किसी ईंधन का दहन किया जाता है तो कुछ भाग जो है वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में अनुपयोगी होकर के बेकार चला जाता है। तीसरा है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी का तुम्हें मतलब इसे एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा, ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा का मतलब ये हुआ, हमने मतलब रेल की पटरी पर रेल आ रही है, अब वहाँ जो है पटरी पर रेल आ रही है तो इसका मतलब है हमें तो पहले ही मालूम पड़ जाता है कि पटरी पर रेल आ रही है, क्योंकि ध्वनि ऊर्जा की ध्वनि आ जाती है, ध्वनि के वेग के कारण पटरियों में संचरित होता है ध्वनि का वेग, और हम कान लगा कर पटरी पर बैठे तो देखते हैं कि मतलब ऊर्जा की गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, लेकिन वहाँ उस आवाज़ का कोई भी यूज नहीं है। वहाँ इंजन में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो कि पहिए को घुमाती है, पहिए को घूमने तक का तो हमारे लिए उपयोगी है क्यों, उससे ही ट्रेन आगे बढ़ेगी, लेकिन जो पहियों की गड़गड़ाहट में फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है वो हमारे लिए कैसी है, अनुपयोगी है। अगर मान लो किसी भी वाहन में इंजन जब चलाते हैं, इंजन जब चलाते हैं तो किसका फ्यूल का ईंधन जो है जलता है, क्या डीजल या पेट्रोल, तो वहाँ पर मतलब जो है वो उसको ऊर्जा होती है, आंतरिक दहन होता है जब पेट्रोल का या डीजल का, तो रासायनिक ऊर्जा जो है पहले ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, जो पिस्टन पर प्रेशर डालती है और पिस्टन घूमने लगता है। यही आंतरिक ऊर्जा जो है वाहन के पहियों को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा अगर हम ले लें, टरबाइन के द्वारा जनित्र में विद्युत उत्पादन होता है,
यानी कोयले को जला करके, मैंने तुम्हें कई एक बताए थे, थर्मल प्लांट, कोल प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, ये कई प्लांट बताए थे जहां ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। अगर कोक प्लांट की हम उस प्लांट की मतलब एफिशिएंसी को देखें तो 40% होती है, और जनित्र के द्वारा जो होती है उसने कामित साहब को भेजना। अच्छा उन्होंने तुझे भेजा, तू क्या करेगा?